हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये स्लीपर बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए, देखने में ये बहुत ही सुंदर दो कलर से बनता है। और आगे का इसका पैनल ये है, ये लीफ से ये ऐसे ऐसे बने हैं एरो से। और ये देखिए, ऐसे जैसे सपोज आपने ये पैर डाला तो ये जितना देख के नहीं अच्छा लग रहा उतना पहन के पैर में लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, इसको मैंने ब्लू आसमानी कलर और ब्लैक कलर से बनाया है। और इसके साइडों में ये ब्लैक की वजह से इसके साथ कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो रहा था, शायद आपको उतना क्लियर ना हो, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। साइड का राउंड एक अंगूरे मैंने क्रोशिए से बनाए हैं। और ये 6 से 7 नंबर के मतलब जब पैर के साइज जो होते हैं उनको फिट बैठता है। ये ऐसे पीछे से ये ऐसे दिख रहा है ब्लैक कलर में, शायद मुश्किल हो दिखने में। ये ऐसे बनता। इसको शुरू करने के लिए आपका पंजे वाला साइड है, और इसको शुरू करने के लिए नॉर्मली एक लेडीज़ के पैर में इतना पंजा सफिशिएंट, लेकिन अगर किसी का फंदा ज़्यादा चौड़ा हो तो आप फंदे उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये वाला जो फंद मैंने बनाया है ये मैंने 13 फंदे से शुरू किया है। और ये वाला पोर्शन मैंने प्लेन रखा है, आप चाहें तो इसी कलर की दो दो लाइनों की धारियाँ या कोई डिज़ाइन दो कलर की छोटी सी डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सी दो कलर की डिज़ाइनें हैं छोटी छोटी, वो आप कोई भी देख सकते हैं या सिंपल भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने आसमानी कलर से ये 13 फंदे डाल लिए हैं। इसमें शुरू और लास्ट का फंदा एज स्टिच होगा। और अब इसे बनाते हैं, पहला फंदा बुनेंगे। एक फंदा बुना, ये पहला है इसलिए बुनेंगे, और हर बार इसे उतार लेंगे जैसे ये जो साइडें हैं वो प्लेन है। फिर दूसरा, एक दो, इसको मैं पैटर्न के अंदर काउंट नहीं करूंगी इस वाले को और लास्ट वाले को, तो 2 3 4 ये 5। ये जो स्टार्टिंग रो है इसको बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि अगर एक बार ये सही बन जाएगी तो उसके बाद अपने आप इजी वे में बनता जाएगा। 5 फंदे बुन लिए, फिर हम ऊन आगे करेंगे। हमें ये वाली यहाँ जो ये है ये जाली शुरू करनी है। एक फंदा आगे, ऊन आगे कर लिए, फिर एक फंदा सीधा ऐसे, फिर ऊन आगे करेंगे, और फिर उसके बाद के 5 फंदे बिनेंगे सीधे। ये एक फंदे को भी, जो ये फंदे बढ़ाने के बाद जो एक फंदा है इसको भी 5 फंदों में काउंट करेंगे। ऊन आगे किया, एक फंदा, फिर 1 2 3 4 और ये 5। ये जो है साइड वाली एक लास्ट और शुरू की जो है इसे इस तरफ से आप उल्टा बुन लीजिए, और उधर से ये हमारी सीधी साइड थी, राइट साइड थी, और ये हमारी बैक साइड है। तो बैक साइड में हमें जो फंदे जैसे हैं, अरे सॉरी, जो सारे फंदे हमें उतारने हैं। अब ये पहला फंदा हमने उधर उल्टा बिना था, इसको इधर बिना बुने उतार लेंगे, और फिर ऊन आगे करके ये पूरी रो, 13 फंदों से हमने शुरू किया था, 2 3 4 5 ये जाली वाला है, 6 7 ये अगेन जाली वाला है, 8 9 10 11 12 ये 13, ये इधर वाला, इधर 14 15 फंदे हो गए। फिर हम सीधी तरफ आएंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो ये बीच के फंदे हैं, अभी आप आगे वाली सिलाई में आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, फिर उसके बाद वाला 1 2 3 3 4 और ये 5।
आपकी डिज़ाइन गड़बड़ ना हो इसके लिए आप ध्यान रखें कि 5 फंदे इधर के और 5 फंदे इधर के वैसे ही रहेंगे, ये बीच में जो है ये फंदे बढ़ते जाएंगे। कि 5 फंदे हमने ये सीधे बुन लिए, ये हमने पहली बार भी बुने थे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर यहाँ जाली के ऊपर ऊन आगे किया तो जाली बन जाएगी और ये बीच के फंदे 3 हो जाएंगे, 1 2 ये 3, 3 हो गए। फिर यहाँ पे ऊन आगे करेंगे और इधर के भी 5 एज इट इज रहेंगे, 1 2 3 4 5। आप दोनों तरफ के फंदे अपने देख लीजिए कि 5 5 हों तो डिज़ाइन आपकी बिगड़ेगी नहीं। फिर इसको लास्ट वाले को इस तरफ उल्टा बिन लेंगे और उस तरफ उसे उतार देंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। हर इसमें पूरे में सारी पूरा ये उल्टी सिलाई जो है वो उल्टी ही बनी जाएगी। बस इसमें इसी तरह बनाते हुए हमें ये जो बीच के पहला 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हो जाएंगे, ये करते करते ये जो बीच के 3 फंदे हैं ये 11 हो जाएंगे और हमारी ये देखिए ये जो जालियां हैं ये 1 2 3 4 5, ये जो जालियां दिख रही हैं आपको शायद क्लियर हो रही होंगी, 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएं तब ये एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन तैयार होगा। फिर हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेनी है। ये उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब आप फिर एक बार और देख लीजिए, फिर हमें दूसरा कलर, जब ये वाला एक पोर्शन ये वाला एक पोर्शन पूरा हो जाएगा फिर हम सेकंड कलर लगाएंगे। ये सेकंड कलर देखिए साइडों से ये ऐसे लगेंगे। ये मैंने मोजे बनाने वाली सॉक्स ली है, ये किसी भी सॉक्स ऊन से आप मोजे बना सकते हो, लेकिन जो मोजे बनाने वाली होती है इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा जल्दी फटती है। ये पहला फंदा हमने उतार लिया, ये देखिए आपकी 5 के जो हैं ये काउंटिंग सही होनी चाहिए, 2 3 4 ये 5, ये हमारी जाली वाली आ गई, ऊन आगे, ये 1, पहले हमारे 1 था फिर 3 हुआ, अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5, अब 5 फंदे बीच में हो गए। इसी तरह ये जो 5 फंदे हैं ये जब तक 11 हो जाएंगे तब हमारा ये एक ब्लॉक पूरा होगा, फिर ऊन आगे करेंगे और ये 5 एज इट इज रहेंगे, 1 2 3 4 ये 5 और ये लास्ट वाला। इसको मैंने पैटर्न के अंदर शुरू फर्स्ट एंड लास्ट काउंट नहीं किया। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर डिज़ाइन बिगड़े तो ये शुरू और लास्ट वाले 5 5 पूरे प्रॉपर काउंट होने चाहिए और उल्टी सिलाई में हम पूरा उल्टा उल्टा ही गिनेंगे। ये हमारा ये पूरा ये वाला ब्लॉक जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन और ये 5 जालियाँ। आप करेक्शन के लिए चेक करने के लिए कि मेरा पैटर्न सही चल रहा है, 1 2 3 4 5। और अब इसके बाद हमें ये आपका जो भी कलर हो आप लगाना चाहें, मैंने यहाँ ब्लैक लगाया है तो अब हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगाऊंगी। एक इसे ऐसे टाइट कर देंगे, 1 2 3 4 ये 5, 5 फंदे हमारे ये ब्लैक कलर से हो गए, कलर दूसरे कलर बी से हो गए। मान ले सपोज ये आसमानी कलर ए है, ये कलर बी है और कलर बी से हो गए। जो हमने पहले 5 फंदे थे वो हमने अलग कलर से बना लिए। फिर हमें ब्लू कलर से इसमें, अब हमारा ब्लू और ब्लैक दोनों साथ ही चलेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, ये आसमानी वाले से इसको आप आगे ले आएंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे कलर ब्लू से, 1 2 3 4 और ये 5। अब एक रो देखिए आप, ये वाली कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो हमने यहाँ पे शुरू की थी अब वो बीच में शुरू होगी, तो ये ऐसे हो जाएगा।
तो ये हमने ये 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए, ऊन आगे करेंगे, ये सीधा, फिर ऊन आगे, और ये 5 फंदे जैसे हम पहले बुन रहे थे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का एक दूसरा गोला लगाना होगा, जिससे हम ये 5 कलर, लास्ट वाले को मैं और फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करती, अगर लास्ट और फर्स्ट को काउंट करूँ तो ये 6 फंदे ब्लैक से हमें बुनने हैं। इस जगह पे हमें दूसरा ब्लैक कलर का गोला लगाना पड़ेगा। अगर हम इस वाले को लाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो बाद में फंसेगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा गोला काला रंग का लगाना है, तो इसको लगाने के लिए हमें ये यहाँ से हम लगा लेंगे, और इस जगह पे ये जो 5 फंदे जो इधर 5 ब्लैक किए थे उन्हें भी ब्लैक करना है। 2 3 4 5 और एक ये लास्ट वाला, ये ब्लैक, ये हमारा ये वाला पोर्शन, ये जो सेकंड वाली पत्तियां हैं ऐसे एरो से बन रहे हैं, ये शुरू हो रही हैं। अब हम उल्टी तरफ आएंगे, अब हमारे पास 3 धागे लगे हुए हैं, दोनों तरफ एक एक ब्लैक और एक ब्लू वाला। अब उल्टी तरफ हमें क्या करना है, जो सारी सिलाई बुननी तो उल्टी ही है, लेकिन बस जो ब्लैक है उसे ब्लैक से, जो नीला है वो नीले से, आसमानी कलर जो है उसे आसमानी कलर से बुननी है। अब यहाँ पे ये ब्लैक है तो हम जिस गोले में लगा हुआ है इससे ब्लैक बुनेंगे, ये 5 फंदे बीच के हम आसमानी से बुनेंगे, और इधर वाले फिर हम ब्लैक से, और बुनेंगे सारा उल्टा ही। यहाँ पे असलिया इसको तो उतार देंगे, ऊन आगे, ये 1 2 3 4 5 और इसको जब हम इस जो ये ब्लैक और ब्लू को करेंगे तो ब्लैक वाले धागे को इधर ले लेंगे, नहीं ये बीच में होल सा आएगा, ब्लैक वाले धागे को इधर लेके और ऐसे, तो ये देखिए इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो पहले वाली है ये ऐसे 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 क्रॉस कराते जाएंगे तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे होल नहीं बनेगा। ये हमें ब्लू लेना है, ब्लू वाले से बुनना है, तो पहले ब्लैक को हम इधर करके इस अंगूठे से दबा लेंगे और फिर इसे ऐसे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 13। अब हमें यहाँ दूसरा वाला ब्लैक लगाना है, तो यहाँ भी हमें सेम प्रोसेस करना है, ये ब्लू वाले ऊन को ऐसे करके इधर इस अंगूठे से दबा लेंगे, इसे दबाते जरूर जाएंगे नहीं, यहाँ इस साइडों में होल आते जाएंगे, फिर इसे ब्लैक से ये ब्लैक, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6। अब इसको जो ये ब्लैक वाला है इसको हम यहाँ पे इस ब्लैक से ऐसे बांध देंगे, नहीं बार बार फंदा ढीला होता जाएगा, यहाँ पे ऐसे हम गांठ लगा देंगे। अब हम सीधी तरफ आएंगे, जैसे हमने पहले बनाया था सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे जो हमारे अब की बार 3 होंगे वो हमारे, फिर ये देखिए ये बीच के 3 फंदे 3 हो गए, अब ये अगली बार 5 होंगे, फिर ये 11 फंदे होने तक हम इसी तरह, जैसे ये पोर्शन है ये वाला पोर्शन पूरा बनाएंगे, ये बीच के बढ़ते जाएंगे। ये देखिए हमारा ये पोर्शन 1 2 3 यहाँ से शुरू हुआ, 1 2 3 विंग्स इसके बन गए, 1 1 2 3। अब हमें ये चौथा वाला बनाना है, इसको बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस है, बस इस जब हम नए विंग शुरू करेंगे तो ये जो 5 वाले फंदे हैं इनको हम ब्लैक कवर कर लेंगे, ब्लैक मीन्स आपका जो सेकंड कलर हो वो आप कवर कर लोगे, और यहाँ बीच से फिर वही 3 वाली जालियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तो अब हमें ये नए
एक दो तीन हो गए हैं, हमें कुल चार बनाने हैं, तो हम दूसरा वाला शुरू करते हैं। पहले ये हमारे लास्ट वाले फंदे जो हैं लेके, ये 11 फंदे थे, मतलब फर्स्ट वाला फंदा लेके 11 फंदे थे, तो फर्स्ट को तो अब हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10। अब हमें ये वाला विंग्स मतलब क्लोज करना है और हमें नया शुरू करना है, तो हम इसको पांच फंदों को इसी सेकंड कलर से बनाएंगे। तो 1, ये पीछे से ये टाइट कर देंगे। देखिए पीछे से हमेशा ऐसे ब्लू वाले को ऐसे क्रॉस कराते जाएं, जब ब्लू बुने तो ब्लू, जब ब्लैक बुने तो ब्लैक, तो ऐसे ये जॉइंट्स में होल नहीं आएंगे और फिनिश भी अच्छी दिखेगी। और ये फिर अब हमें करना है 1, 2, 3, 4, ये 5। हम यहाँ जो जाली थी, पहली वाली जाली, वहाँ तक हम आ गए, तो पहले 10 थे, अब ये 5, 15 और एक ये वाला, कुल ये 16 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे ब्लॉक से बनते जाते हैं ये। अब यहाँ पे हमें फिर वही प्रोसेस कराना है। देखिए इसको करने के लिए जब हमें ब्लू से बिनना है, तो ब्लू को ऐसे इधर ऐसे करके ये ऐसे कर लेंगे, जिससे ये होल ना बने। 1, ये देखिए अब यहाँ पे ये 15 फंदे ब्लैक से हो गए, फिर ब्लू से एक फंदा सीधा, ये दूसरा, 2, 3, 4 और ये 5। जो 5 वाला हमारा ये शुरू से चल रहा था, ये वाला उसी तरह, ये 5, फिर ऊन आगे जैसे पहले हमने किया था, एक सीधा, फिर ऊन आगे और ये 5। तो 1, 2, 3, 4 ये 5, 5 ब्लू हो गए। जब एक ये ट्रायंगल बन जाता है, तो उसको 5-5 करके डिवाइड कर देते हैं, और बीच के एक फंदे के आगे पीछे जालियां पड़ जाती हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे जो हैं ये हमारे नेक्स्ट कलर में, मेरा कलर ब्लैक है, ब्लैक में हो जाएंगे, तो कुल 15 फंदे हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, और ये लास्ट वाला फंदा, लास्ट वाले को लेके दोनों तरफ 16-16 फंदे हो जाएंगे, और बीच का फिर वही 3 के, जब तक 11 ना हो जाए, बीच वाले जो 3 हैं वो जब तक 11 ना हो जाए तब तक हमें वैसे ही बनाते रहने। ये जो बीच के हमने फंदे 3 थे, ये वाले 3, ये हर उल्टी सिलाई में जो कलर जैसा है उसी पे बिनते हुए पूरी सिलाई उल्टी बिनेंगे। और ये जब 3 कलर हैं, ये 3 के बाद 5 होंगे, 5 के बाद 7, फिर जब तक ये 11 ना हो जाए तब तक ये बनाते रहेंगे। और ये किनारे के दोनों 16-16 फंदे हैं, लास्ट और शुरू वाले को लेके 16, और ऐसे 15 फंदे हैं। और ये आपका जब लगे आपको आपकी रो कहीं गड़बड़ हो रही है, तो आप ये गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 5 और 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है, ये जो विंग्स से पट्टी सी है, ये 5-5 की हैं, तो आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से बनाते हुए जब ये बीच के 11 हो जाएंगे, ये आपका एक ट्रायंगल पीस बन जाएगा, तब तक हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9,
ये 9 फंदे हो गए, और जो ये हमने बिना बुने उतारे थे इसको लेके 10, और बीच के वैसे हम देखेंगे तो ये हमारे 9 फंदे हैं। 9 फंदों के बाद हम इस जगह पे एक फंदा ये और एक फंदा इस सिलाई का, हम यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर हमें ये इधर नहीं बुनना है, हमें इस तरफ सिलाई फिर पलट लेनी है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये 15 फंदे ब्लैक से हो गए, फिर ब्लू से एक फंदा सीधा, ये दूसरा, 2, 3, 4 और ये 5। जो 5 वाला हमारा ये शुरू से चल रहा था, ये वाला उसी तरह, ये 5, फिर ऊन आगे जैसे पहले हमने किया था, एक सीधा, फिर ऊन आगे और ये 5। तो 1, 2, 3, 4 ये 5, 5 ब्लू हो गए। जब एक ये ट्रायंगल बन जाता है तो उसको 5-5 करके डिवाइड कर देते हैं, और बीच के एक फंदे के आगे पीछे जालियां पड़ जाती हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे जो हैं ये हमारे नेक्स्ट कलर में, मेरा कलर ब्लैक है, ब्लैक में हो जाएंगे, तो कुल 15 फंदे हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये लास्ट वाला फंदा। लास्ट वाले को लेके दोनों तरफ 16-16 फंदे हो जाएंगे, और बीच का फिर वही 3 के, जब तक 11 ना हो जाए, बीच वाले जो 3 है वो जब तक 11 ना हो जाए तब तक हमें वैसे ही बनाते रहने। ये जो बीच के हमने फंदे 3 थे, ये वाले 3, ये हर उल्टी सिलाई में जो कलर जैसा है उसी पे बिनते हुए पूरी सिलाई उल्टी बिनेंगे। और ये जब 3 कलर हैं, ये 3 के बाद 5 होंगे, 5 के बाद 7, फिर जब तक ये 11 ना हो जाए तब तक ये बनाते रहेंगे। और ये किनारे के दोनों 16-16 फंदे हैं, लास्ट और शुरू वाले को लेके 16, और ऐसे 15 फंदे हैं। और ये आपका जब लगे आपको आपकी रो कहीं गड़बड़ हो रही है तो आप ये गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 5 और 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है, ये जो विंग्स से पट्टी सी है, ये 5-5 की हैं, तो आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से बनाते हुए जब ये बीच के 11 हो जाएंगे, ये आपका एक ट्रायंगल पीस बन जाएगा, तब तक हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। ये देखिए, इधर के और इधर के हम तब तक लेते रहेंगे पलट पलट के सिलाई, एक बार इधर के, एक बार इधर के, और बीच में ये 9 फंदे होंगे। ये हमारी इस सिलाई पे जब 13 फंदे बन जाएंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था 13 से, तो ये 13 फंदे जब आ जाएंगे तब हम बैक सिस्टर बनाएंगे। ये हील वाला पोर्शन हमारा बन रहा है, ये आपको शायद ब्लैक की वजह से क्लियर ना हो रहा हो, ये ब्लैक, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम बना रहे हैं। और ये हर बार सिलाई टर्न करते जाएंगे और ऐसे बनाते जाएंगे जब तक हमारे पास इस सिलाई पे 13 फंदे ना हो जाएं। हमने फिर सिलाई ऐसे पलट ली, और ये जो फर्स्ट फंदा है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, और यहाँ से फिर हम 9 फंदे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे ले लिए। अब ये एक फंदा बचा, एक फंदा इधर से, एक फंदा ये वाला, इन दोनों को हमें फिर एक साथ 2 का 1 करना है। तो सलाई उस सलाई ऐसे पीछे से बिनना है, जिससे हमारी चोटियाँ इस डायरेक्शन में ऐसे आए, ये ऐसे 2 का 1 कर देंगे। फिर वही प्रोसेस, हमें इधर नहीं जाके सिलाई यहीं से टर्न कर लेनी है, पलट लेनी है, हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे, और फिर पहले वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, और उसके बाद 9 फंदे उल्टे, 1, 2,
तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, नौ नाइन फंदे हो गए। और फिर हमें एक फंदा इधर इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का, दो का एक उल्टा बुनना है और ये दो का एक। फिर हमें आगे नहीं जाके सेम प्रोसेस करते हुए सिलाई, और अब इन दो ऊनों का जो दो दूसरा गोला ब्लैक था और ब्लू था इनका काम नहीं है, तो ये अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप इन्हें अलग कर सकते हैं काट के। फिर हम यहाँ से पलटेंगे, ये वाले फंदे को पहला फंदा उतार लेंगे और फिर उसके बाद नौ फंदे, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक ये बचा और एक इस सिलाई का, ये ऐसे लेके इस तरह से ये। फिर हम यहाँ से सिलाई पलट लेंगे और ऐसे ऐसे करते हुए हम ये सारे फंदे इधर के और इधर के हम कवर, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये नाइन, ये नाइन फंदे हो गए। और जो ये हमने बिना बुने उतारे थे इसको लेके टेन, और बीच के वैसे हम देखेंगे तो ये हमारे नाइन फंदे हैं। नाइन फंदों के बाद हम इस जगह पे एक फंदा ये और एक फंदा इस सिलाई का, हम यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। फिर हमें ये इधर नहीं बुनना है, हमें इस तरफ सिलाई फिर पलट लेनी है। ये देखिए फंदे बदलते घटाते घटाते ये जो हमारे पास इतने फंदे थे, अब इधर पे दो, इधर हमारे पास तीन बच गए हैं और इसको हम लास्ट फेज में हैं। ये पहला मैंने जैसे पहले बताया था ये उतार लेंगे और बीच के नौ दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ, और ये दसवां फंदा और एक इस सिलाई का फंदा लेंगे और दो का एक उल्टा बुन लेंगे। फिर उन आगे करके सिलाई अपनी पलट लेंगे। अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे और फिर उनको पीछे लेके ये पहला वाला उतार देंगे, इसे टाइट कर लेंगे। फिर बीच के नौ फंदे हमेशा रहेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये नौ। अब ये दो फंदे, एक ये दसवां वाला और एक इस सिलाई का, ऐसे लेके ये पीछे से ऐसे करके सीधा बुन लेंगे। अब हमारे पास इधर एक फंदा बचा है, फिर इधर फिर सिलाई को पलटेंगे और ये वाला पहला उतार लेंगे, नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दसवां और एक इधर का, दो को एक साथ उल्टा बिनेंगे। उल्टी तरफ उल्टा बिनना है दो का एक और सीधी तरफ सीधा दो का एक। अब ये फिर सिलाई पलटेंगे और हमारी तरफ पास अब ये एक फंदे इस सिलाई में बचा है और एक फंदे ये। फिर पहला ऐसे उतार लेंगे, बीच के नौ नाइन फंदे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन और ये इस सिलाई का एक। अब ये सिलाई के आपके सारे फंदे फिनिश हो गए। अब आप यहाँ पे फिर उल्टी तरफ पलट लोगे, अब आप ये काउंट कर लो आपके पास कितने फंदे बचे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये हमारे पास तेरह फंदे होने चाहिए। ये एक फंदा मैंने ज़्यादा घटा दिया, जितने फंदों से हमने शुरू किया था उतने फंदे रहने चाहिए, ये तेरह फंदा हमें करना है। ये एक इस वाला और एक इस सिलाई वाला ये। अब हमारे पास टोटल
13 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मैंने एक एक्स्ट्रा घटा दिया था, तो इसको भी हम सीधा ही बुन लेंगे। ये जैसे नॉर्मल फंदे बुने जाते हैं सीधा, इसको भी इसी सिलाई में ले लेंगे। अब हमारे पास ये 13 फंदे हो गए, ये हमारा हील वाला पोर्शन बनके तैयार हो गया और ये हमारा फ्रंट पोर्शन बनके तैयार हो गया। ये देखिए, ये हम ये ऐसे बनके तैयार हुआ। अब आगे हमें कैसे बनाना है ये हम देखते हैं।